हेलो, वेलकम बैक। आज का मेरा क्लास है कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर के क्लास को मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा। इसके एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जैसे कि कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होते हैं, इसके सिंबल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किस तरीके से कैपेसिटर बनाए जाते हैं। कैपेसिटर के अंदर अगर आप स्टडी करते हो तो कैपेसिटर में आप देखोगे कि कैपेसिटर के डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, है ना, कि कौन सा कैपेसिटर किस टाइप का कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कौन सा कैपेसिटर कम एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो वहाँ पर एक डायलैक्ट्रिक मटेरियल की बात होती है। उसके बाद इसके कनेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन हम देखेंगे, एसी रिस्पांस देखेंगे, डीसी रिस्पांस देखेंगे, है ना। तो कैपेसिटर के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी होती है हमें। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि अबाउट कैपेसिटर की है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, प्रैक्टिकल कैपेसिटर जब आप देखेंगे ना तो ये है, सिरामिक टाइप का अलग होता है, पर आई होप ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये है कैपेसिटर, ठीक है ना, है ना, इसको यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर ऐसे प्रैक्टिकली तो कुछ और दिखता है, लेकिन हम यहाँ स्टडी कुछ और करते हैं, क्योंकि वो इनसाइड वैसा मैन्युफैक्चर होता है, हम बाहर से नहीं देख पाते वैसे चीज़ों को। तो सबसे पहले कैपेसिटर की अगर बात की जाए तो कैपेसिटर सी से इंडिकेट करते हैं, दो प्लेट ऐसे दिखाया जाता है ना। इसकी यूनिट जो होती है हमेशा फेराड में होती है। और कैपेसिटर को ऐसे देखोगे अगर आप, ये मैन्युफैक्चर कैसा होता हो तो देखें, अगर सिंबल की मैं बात करूँ तो कैपेसिटर बहुत जगह आपको तो ऐसा देखा जाता है, ये कहलाता है फिक्स्ड कैपेसिटर, ये कहलाता है फिक्स्ड कैपेसिटर, ठीक है। बहुत जगह आप देखोगे कैपेसिटर ऐसा भी दिखेगा आपको, है ना, ऐसा भी दिखेगा इस तरीके से, यहाँ प्लस कर देगा, मतलब कि इसको बोला जाता है पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसको बोला जाता है पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसका क्या मतलब होता है, देखिए पोलराइज्ड और फिक्स्ड कैपेसिटर के बारे में अगर चर्चा करते थे, इसमें प्लस यहाँ दो माइनस यहाँ दो, या फिर इसमें प्लस यहाँ दो माइनस यहाँ दो, पोलैरिटी चेंज भी हो जाए तो इस टाइप के कैपेसिटर में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस टाइप के कैपेसिटर की अगर बात की जाए तो इसको बोला जाता है पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसका मतलब अगर यहाँ सिंबल प्लस है तो इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस ही यहाँ ऐड करना पड़ेगा और यहाँ माइनस। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे, पोलराइज्ड कैपेसिटर में हमेशा इसकी पोलैरिटी अगर फिक्स हो जाती है तो हमेशा प्लस की जगह पे प्लस ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। और एक और होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। एक और कैपेसिटर कैसा होता है, वेरिएबल कैपेसिटर, इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। इसका मतलब कि इसको वेरी किया जा सकता है ना, इसके वैल्यू को कई बार कैपेसिटर के वेरिएक होते हैं, ऐसे वेरी करो वैल्यू तो कैपेसिटर का मान चेंज होता है। तो कुछ इस तरीके से इसके सिंबल भी डिनोट होते हैं, लेकिन सबके लिए यूनिट हमेशा कौन सा रहेगा, फेराड। यूनिट हमेशा क्या रहेगा आपका, फेराड ही रहेगा। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि कैपेसिटर जो होते हैं मेनली किस तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं। प्रैक्टिकली आपने देखा कि किस तरीके से कैपेसिटर होते हैं, लेकिन कैपेसिटर किस तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं हम पहले उस चीज़ को भी यहाँ पे समझेंगे। देखिए कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या होता है, किसी भी जो हम मटेरियल से डिजाइन करते हैं दो पैरेलल प्लेट के बीच, जो हम कैपेसिटर का डिजाइन करते हैं उससे कैपेसिटेंस का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर जो होता है क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। अगर यहाँ की फॉर्मूला की भी बात कर दूँ, मैं आगे चर्चा करूँगा, फिलहाल आप समझ लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है हाफ सी वी का स्क्वायर। एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है, हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में करता है। जिस तरीके से ध्यान रखिएगा इंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा था, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ यहाँ सी की जगह पे एल, और वहाँ करंट का विरोध करता है तो आई का स्क्वायर, ये वोल्टेज का विरोध करता है तो वी का स्क्वायर, क्या होता है, वी का स्क्वायर। चलिए और चीज़ समझते हैं, यहाँ पे बहुत बारीकी से समझेंगे। कैपेसिटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का विरोध करता है। कैपेसिटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा करता है, क्या करता है, इट अपोज दी फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज। ये हमेशा वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का, मतलब वोल्टेज वेरिएबल होगा तो उसका विरोध करता है, हमेशा वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए एनर्जी स्टोर जो होता है हाफ हाफ सी वी स्क्वायर के टर्म होता है, क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर के टर्म में। आपसे बोलता है ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, जिस तरीके से इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर क्या करता था, इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता था, लेकिन ये एनर्जी स्टोर जो करता है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में क्या करता है, एनर्जी का स्टोर करता है। क्या बार आपसे ये भी पूछता है कि इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी का स्टोर करता है। इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, मैग्नेट के रूप में, क्योंकि जब आप इंडक्टर में करंट देते हैं तो क्या मैग्नेट बनता है, फ्लक्स बनता है, तो मैग्नेटिक के रूप में भी एनर्जी का स्टोर करता है, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी का स्टोर करता है। जब आप आगे पावर सिस्टम वगैरह डिस्कस करोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत अच्छे से चीज़ों को समझोगे, केबल और इंसुलेटर के अंदर, है ना। तो चलिए फिलहाल आपने देख लिया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, ये किसका हमेशा विरोध करता है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का, हमेशा किसका विरोध करता है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का। यानी अगर इसके अक्रॉस मान लो अगर वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया 10 वोल्ट और सडन आप करोगे क्या 12 वोल्ट, तो तुरंत उस वोल्टेज को ये चेंज नहीं करेगा, उसका विरोध करेगा, कुछ देर बाद ये सेटल डाउन होगा 12 वोल्ट से। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले कैपेसिटर जो ये बना है, पहले हम छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर जो होते हैं किस तरीके से बनते हैं और कैपेसिटर का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो एक एक चीज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, कैपेसिटर इज मेड ऑफ, कैपेसिटर इज मेड ऑफ बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, मेड ऑफ बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विथ, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, विथ आप कह सकते हो विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कैपेसिटर जो बनते हैं वो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विथ डायलैक्ट्रिक मटेरियल के अरेंजमेंट से हमारा क्या होता है, कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, समझिएगा। यानी कोई कैपेसिटर अगर है, कोई कैपेसिटर अगर है, यहाँ से देखता हूँ एक बार, या मैंने प्लेट बना लिया, ये रहा प्लेट है ना, अगर ये कोई कैपेसिटर है तो इसके बीच की दूरी रखा जाता है ना, कैपेसिटर इज मेड ऑफ बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट के बीच विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अभी मैं बताता हूँ विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। तो समझिए, सबसे पहले कहीं आपको कैपेसिटर फॉर्मेशन करना है तो दो फॉइल्स ले सकते हैं, दो मेटल्स ले सकते हैं, है ना, उसके बीच आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आपको किस टाइप का, कितना स्ट्रेंथ का कैपेसिटर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें फिल करते हैं। एयर टाइप का भी होता है, अगर हवा रहे तब भी ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन करता है। क्यों, आप समझिएगा, जब आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं ना, तो आप देखिएगा दो कंडक्टर जा रहा है तो उसके बीच ना हम कैपेसिटेंस इफेक्ट दिखा देते हैं। ये देखिएगा दो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है तब भी कैपेसिटेंस इफेक्ट दिखाते हैं। क्यों, कि ये दोनों कंडक्टर अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल अगर रहता है इनमें, आपको नहीं दिख रहा है क्या, इमेज में नहीं दिख रहा है, चलिए ये यहाँ दिख कर देता हूँ, यहाँ देखिए दिख रहा है ना, यानी एक और वायर है यहाँ पे, समझिए एक और वायर है, एक और लाइन है, ठीक है ना, एक और लाइन है, तो दो लाइन के बीच आपका कैपेसिटर फॉर्मेशन हो जाता है, और कैपेसिटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा तो लीकेज करंट फॉर्म करता है, जब गुजरने लगता है, इसीलिए दो लाइन को दूरी पे रखा जाता है, ठीक है ना। तो कहीं भी कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो सकता है, अगर दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल अगर बहुत नियर क्लोज हो, आसपास में हो, तो कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है। इसके फॉर्म कैपेसिटेंस के वैल्यू को निग्लिजिबल करना है तो कंडक्टर को बहुत दूर रख दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको पहले समझना है एक कंडक्टर के बारे में, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर के लिए हम कुछ वैल्यू पे डिस्कस करना चाहेंगे यहां पे, कि कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक प्लेट वन, यह एक प्लेट है ना, एक प्लेट वन है और यह प्लेट टू है, दो प्लेट के बीच हम क्या करते हैं, ये प्लेट टू है, और एरिया की जहाँ बात हो जाए, देखिए ये इसका प्लेट का एरिया होता है, ये क्या है हमारे प्लेट का एरिया, एक प्लेट का एरिया ये है, दूसरा प्लेट का एरिया क्या है ये है, दूसरा प्लेट का एरिया क्या है ये है, तो आप इसको कह सकते हो इसको एरिया ए, ये इसका प्लेट का क्या होता है, एरिया होता है। इन सब चीज़ों पे भी कैपेसिटर का वैल्यू डिपेंड करता है, आप समझिए। कैपेसिटर कहता है किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो कहते हैं एप्सिलॉन इनटू ए बटा डी। आज ही मैंने पावर सिस्टम के अंदर इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था, इंसुलेटर के अंदर चीज़ें हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए कैपेसिटर जो डिपेंड कर रहा है हमारा, एप्सिलॉन इनटू ए बटा डी, इसका क्या मतलब है समझिए यहाँ पे, ये एप्सिलॉन क्या है, इसकी बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने इंडक्टर में भी इसको देखा था। आप समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इसका नाम पहले दे देता हूँ, इसको बोला जाता है परमिटिविटी, इसको बोला जाता है
परमिटिविटी इसको बोला जाता है परमिटिविटी। क्लियर। नेक्स्ट ए जो है उसको बोला जाता है एरिया, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स के बीच का क्या है एरिया है। और जो डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का क्या है डिस्टेंस डी है। तो हमने इस तरीके से देखा। अब समझिएगा एक एक चीज को समझते हैं। यानी कहीं आपको कैपेसिटर बनाना है, सबसे पहले कैपेसिटर क्यों बनाना है ना, कैपेसिटर क्यों बनाना है तो आप समझिएगा। पहले इस चीज की बात कर लूं फिर मैं यहाँ पे आऊंगा। कैपेसिटर क्यों बनाना है तो आप कहोगे कैपेसिटर एनर्जी कहीं स्टोर करने की जरूरत होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां जरूरत होती है। या फिर समझिए कैपेसिटर का और यूज कहां पे होता है, हम कहते हैं कि जहां भी अपने को वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकना है। सपोज दैट आप देखते हो पहले के टाइम में घरों में, गांव घरों में आपके बल्ब में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। क्यों? वोल्टेज में फ्लक्चुएशन लोड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता था। तो हम यूज करते हैं कंपनसेटर, संट कंपनसेटर, सीरीज कंपनसेटर। वोल्टेज को फ्लक्चुएशन को अगर रोकना होता है तो हम ऐसा कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई लोड है, समझिएगा मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ क्या विजिबल है? नहीं विजिबल है। चलिए ये कोई आपको फाइनल चीज आ रहा है और किसी लोड पे करंट जा रहा है, लोड पे करंट जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है ना इसके कारण यहाँ पे वोल्टेज कभी 10 वोल्ट हो रहा है, कभी 12, कभी 14। लेकिन इसके लिए बेहतर होता कि हमेशा इसके 10 वोल्ट होता। तो हम क्या करते हैं इससे पहले कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कैपेसिटर जो क्या करता है, अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है तो करंट इससे बाईपास कर लेता है, ये इसको क्या करता है फ्लक्चुएट ही नहीं होने देता, 10 वोल्ट का 10 वोल्ट रखने का कोशिश करता है। तो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए हालांकि एक जीनर डायोड भी होता है, उसकी अलग अलग काम होते हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ें पता होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर के एकदम बेसिक फंडामेंटल वाली बातों को हम पहले देखते हैं। इसका मतलब तय हो गया कि कैपेसिटर जो होते हैं वो डिपेंड करता है इसकी परमिटिविटी कहाँ पे यूज होता है, इंडक्टर में, यहाँ पे परमिटिविटी। तो कन्फ्यूज नहीं करना, कई बार बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, परमिटिविटी इंडक्टर में था, मैग्नेटिक मटेरियल में होते हैं, और परमिटिविटी किसी कैपेसिटर के लिए होता। तो ये चीज़ें ध्यान रहे। वहाँ पर देखिएगा क्या डिविजिबल है, इंडक्टर के लिए L के लिए जो था म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर था, और यहाँ पे C के लिए जो होता है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है इन चीज़ों का, ध्यान रखना है, हम एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे। अब यानी कह रहा है कि एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटर उतना का मान उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। और फिर कहता है डी यानी ये गैप जितना कम होगा दो कंडक्टर के बीच, दो प्लेट के बीच गैप जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी का स्टोर करेगा, इसमें आसानी से करंट जाएगा तो थोड़ा क्या होगा एनर्जी का स्टोर कर लेगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब कैपेसिटेंस को और समझना है तो समझिए कैपेसिटेंस को और ज़्यादा समझना, हालांकि इसकी अभी चर्चा करेंगे, पहले इसके लिए बेहतर है आपको ये समझ लीजिए कि सी ज़्यादा कम हो जाने से किस पे असर पड़ रहा है। तो समझिएगा क्यू पर सी बराबर होता है क्यू पर वोल्ट, समझिएगा सी बराबर होता है क्यू पर वोल्ट, समझिए चार्ज पर वोल्ट। कैपेसिटर का फॉर्मूला, कई बार फॉर्मूला भी आपको पूछ देता है, तो सी बराबर क्या हो गया चार्ज यानी कूलम्ब, चार्ज कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट इसी को बोलते हैं फेराड, कूलम्ब पर वोल्ट को ही क्या बोल रहे हैं जी फेराड, समझिएगा कूलम्ब पर वोल्ट को बोल रहे हैं क्या फेराड, वही तो हो गया ना, कूलम्ब पर वोल्ट ही क्या हो गया हमारे लिए फेराड, समझिए यहाँ पे बारीकी से। अब कोई कहता है कूलम्ब पर वोल्ट ही चार्ज है कैपेसिटर है, कूलम्ब पर वोल्ट यानी चार्ज पर वोल्ट ही हमारा क्या है कैपेसिटर है। इसका मतलब है एक वोल्ट में कोई कैपेसिटर के एक वोल्ट के डिफरेंस में, एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जितना ज़्यादा कैपेसिटर यानी चार्ज को स्टोर कर लेगा वही उसकी कैपेसिटर का वैल्यू होगा, समझिए। ये क्या कह रहा है सी क्यू के बराबर हो जाएगा अगर वी का मान 1 हो, यही तो मतलब हो गया ना इसका मतलब। इसका मतलब
पर यूनिट वोल्ट पर जितना नंबर ऑफ चार्ज होगा वही उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। एक वोल्ट के डिफरेंस पर, यानी जीरो वोल्ट यहाँ और यहाँ एक वोल्ट हो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एक वोल्ट। एक वोल्ट के डिफरेंस पर कोई कैपेसिटर जितना ज़्यादा एनर्जी का स्टोर, यानी इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेता है वही उसकी कैपेसिटर की वैल्यू होती है। इसका मतलब समझिएगा, एक कैपेसिटर ऐसा है जिसके अंदर, एक कैपेसिटर ऐसा है जिसमें मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं 10 चार्ज है, चार्ज कितने हैं 10 है, समझिएगा। और एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें सब कुछ सेम है, उसमें 20 चार्ज है, कितने हैं 20 चार्ज। इसका मतलब जिसमें एक वोल्ट के डिफरेंस पर, यहाँ जीरो वोल्ट है और यहाँ एक वोल्ट है, मान लो यहाँ अर्थिंग है और यहाँ एक वोल्ट है ना, तो इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्ट का हो गया। अगर एक वोल्ट में कहीं 10 चार्ज है, कहीं 20 चार्ज है, तो जिसके केस में 20 चार्ज होगा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कैपेसिटर कहता है, समझिएगा, कैपेसिटर कहता है कि अगर कोई यहाँ एक कैपेसिटर और एक और दो कैपेसिटर है आपके पास, है ना, एक कैपेसिटर है और एक और कैपेसिटर है, अगर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एक एक वोल्ट का है, लेकिन ये 20 एनर्जी स्टोर करता है, यानी अगर बात की जाए चार्ज के रूप में, तो ये 20 चार्ज को स्टोर करता है एक वोल्ट के गैप पे, और ये भी ये 10 ही करता है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस की, जिसमें जितने एनर्जी स्टोर यानी जितने आपके चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है वही बढ़िया कैपेसिटर, यानी उसका वैल्यू कैपेसिटर का ज़्यादा होता है। जो कम एनर्जी स्टोर कर पाता है यानी कम चार्ज को स्टोर करता है उसको बोलते हैं कम कैपेसिटर का वैल्यू। इसका मतलब है पर यूनिट वोल्ट के गैप के, पर यूनिट वोल्ट के डिफरेंस पे दोनों प्लेट में अगर जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा है। समझ लीजिए चीज़ों को, यानी कोई दो प्लेट है, ये दो हाथ है मेरे प्लेट्स हैं, है ना, इस दोनों प्लेट्स में जितना ज्यादा एनर्जी स्टोर यानी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, जितने चार्ज, चार्ज क्या होता है जी, हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स स्टोर किए जा सकते हैं पर यूनिट वोल्टेज के डिफरेंस पे, पर यूनिट वोल्टेज पे एक वोल्ट के डिफरेंस पे जितना ज्यादा एनर्जी यानी चार्ज स्टोर कर सकते हैं वही उसका कैपेसिटर का वैल्यू होता है सी। यानी एक वोल्ट के डिफरेंस पे अगर 500 चार्ज स्टोर कर रहे हो, एनर्जी स्टोर कर रहे हो, तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। कोई एक वोल्ट के डिफरेंस पे 5 ही इलेक्ट्रॉन्स का स्टोर कर पाता है तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगा। आप समझिए ये ज्यादा कम कैसे स्टोर कर पाएगा। आप तो कहोगे कि सर अगर ये ऐसा कैपेसिटर ही होता, यहाँ जीरो वोल्ट यहाँ एक है, तो हमेशा तो ये तो 10 ही हर कंडीशन पे, तो कितना 10 ही इलेक्ट्रॉन स्टोर कर पाएगा, तो 20 किस कंडीशन में करेगा। समझिए हम कहेंगे हाँ करेगा 20, क्यों, तो जब ये एयर है, जब एयर, इसीलिए कैपेसिटर का टाइप बदल जाता है, जब इस दोनों प्लेट के बीच एयर होगा तो हर चीज़ बराबर होगा, तो एयर कहीं भी जाएंगे तो सब, तब हर जगह 10 ही कैपेसिटर का मान समान ही होगा, यानी 10 ही इलेक्ट्रॉन सब स्टोर करेगा। लेकिन कहीं किसी कंडीशन में एयर है तो कहीं किसी कंडीशन में इनके बीच हम माइका डाल दिए तो उस कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी इसमें डाइलेक्ट्रिक, वही मटेरियल की बात होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इसके अंदर डाला जाए तो इसमें एनर्जी स्टोर यानी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो कैपेसिटर स्टोर करने की क्षमता, इसकी कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए कैपेसिटर के जो टाइप बदलते जाते हैं, इसके अंदर पेपर डाल दो तो पेपर टाइप का कैपेसिटर होता है, इसके अंदर माइका डाल दो तो माइका के कैपेसिटर यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा हो जाता है, इसके अंदर आप ग्लास डाल सकते हो, तो वो अलग अलग मटेरियल डालते हैं जिससे जितना ज़्यादा ये एनर्जी स्टोर करने की क्षमता रख पाता है, यानी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता रख पाता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसके कंडीशन में कैपेसिटर का मान उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि पर यूनिट वोल्टेज में कहता है, कैपेसिटर कहता है हम पर यूनिट के वोल्टेज के डिफरेंस में जितना जो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। आई होप यहाँ तक मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन आपको होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम और भी चीज़ें की डिस्कस कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ तय हो गया। अब समझिए यही जो आपका बन गया परमिटिविटी, ये इन्हीं मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल इसके अंदर कैसा है, इसके अंदर मटेरियल कैसा है वही तो परमिटिविटी कह रहा है। समझिएगा कौन सा कलर यूज नहीं हुआ यहाँ पे, कौन सा दो ब्लू है ना, देखिए सॉरी ब्लू नहीं आ रहा। समझिएगा बारीकी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, यानी इसके अंदर मटेरियल कैसा है उसी पे डिपेंड कर रहा है कौन, ये एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन इसी पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर कौन सा मटेरियल, क्या पेपर डाल दिया, क्या आपने ग्लास डाल दिया, क्या आपने मैका डाल दिया, क्या आपने सिरामिक डाल दिया, क्या डाला, किसके अकॉर्डिंग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिस तरीके का होगा उसका कैपेसिटर उस तरीके से अपना चार्ज स्टोर करेगा, तो वैल्यू उतना ही हैवी होता चला जाएगा। तो आई होप आप पता आपको चल रहा है कि ये क्या होता है।
ठीक है ना, यही इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। अब इस परमिटिविटी के बारे में थोड़ा चीज़ें हम जान लेते हैं। आई होप कि आप पहले इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। हम इसको फिर इसके थोड़ा रफ कर देंगे तो चीज़ें आप इसको अच्छा आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। चलिए, तो अब रही बात, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं ना, तो ये रहा परमिटिविटी, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। यहाँ देखिए ये हुआ। अब इसके वैल्यू के रिगार्डिंग बात करूँ, है ना, तो ये कौन क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, समझिएगा। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, है ना। जो इस कह सकते हो, हम इसके लिए हमेशा वैल्यू फिक्स रखते हैं। और ये जो म्यू आर है, ये होता है आपका म्यू आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मान लो दो कैपेसिटर के बीच अगर आपने यहाँ एयर डाल दिया, तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1, है ना। एयर के लिए एप्सिलॉन आर, अगर कोई एग्जांपल बोले फॉर एयर, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब एयर को एक ऐसा रेफरेंस माना गया, समझिए, इसका मतलब ये होता है एयर को एक ऐसा रेफरेंस माना गया जहाँ पर जहाँ पर इसका म्यू आर का मान 1 है। अगर कोई कह दे कि इसके अंदर अगर इसके अंदर माइका डाल दिया जाए, माइका डाल दिया जाए तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप समझिए, अगर किसी की रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो अब ये बढ़ा तो कौन बढ़ा, ये बढ़ा तो कैप्सर का मान बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम जानते हैं माइका रहेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पर यूनिट वोल्ट की गैप में अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करेगा, तो कैप्सर का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसीलिए हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूल्स इन द सेंस कि पेपर करते हैं, माइका करते हैं, सिरामिक करते हैं, एयर करते हैं, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का उपयोग करते हैं कैप्सर को उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कई बार हम कैप्सर का फॉर्मेशन तो करते हैं, लेकिन कई बार जब हाई पोटेंशियल बन जाता है, जब हाई पोटेंशियल दो कंडक्टर जाता है, ये दो कंडक्टर अगर ट्रांसमिशन लाइन में जाता है, हेवी वोल्टेज होता है, तो ये एयर को ब्रेक करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडक्टर के बीच ये भी दो पैरेलल प्लेट्स के जैसा बिहेव करने लगता है और फॉर्मेशन कर लेता है कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटर का फॉर्मेशन करता है, ये हमारे लिए खराब है, क्योंकि लीकेज करंट पास होता है। ट्रांसमिशन लाइन में आपको बहुत अच्छे समझने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो हम जान के डिजाइन करते हैं कि कभी एनर्जी स्टोर की जरूरत होती है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की जरूरत होती है, तो कैपेसिटर का फॉर्मेशन करते हैं। कैपेसिटर बैंक की जरूरत होती है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बहुत सारी चीज़ें। अभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर देखते हो, है ना, और बहुत ज़्यादा देखोगे आगे। अगर पंखे की बात, मशीन भी चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, एक पंखे के अंदर, फैन के अंदर, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है एक पंखे के फैन के अंदर कितने रेटिंग के कैपेसिटर का उपयोग कर दिया जाता है। तो आप जो अपने घर में यूज करते हो ना, वो तो नॉर्मली क्या होता है, 0.25 माइक्रोफेराड के रेंज में होता है, लेकिन एक कैपेसिटर में जिस तरीके से मोटर का साइज बढ़ता है, रेटिंग बढ़ता है, 250 माइक्रोफेराड तक के कैपेसिटर का उपयोग करता है। हेवी फैन के अंदर 250 माइक्रोफेराड का फैन कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटर जो होते हैं ना, ये डाटा भी आपको याद रखना चाहिए, हालांकि मैं मशीन के अंदर ये सब डाटा सब लिखवाया हूँ, पढ़ाया हूँ, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रहे। माइक्रोफेराड कैपेसिटर की यूनिट हमेशा क्या है, अभी तो मैं फेराड में बोला हूं, समझिएगा, कैपेसिटर की यूनिट किसमें है, फेराड में, लेकिन मोस्टली जो होती है माइक्रोफेराड। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है नेगेटिव के अंदर ज्यादा होता है, नेगेटिव इन द सेंस कि माइक्रो छोटा वैल्यू जितना होगा, क्योंकि ये चीज जो होता है ना, मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, माइक्रोफेराड बहुत जगह तो देखोगे, एमएमएफ में भी होता है, बहुत जगह आपने नहीं देखा, जब आप प्रैक्टिकल कैपेसिटर देखोगे तो वहां पर उसकी यूनिट एमएमएफ में होता है। आप बोले एमएमएफ क्या हो गया,
ये तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया, पर ऐसा नहीं है, माइक्रो माइक्रोफेराड भी कैपेसिटर का रेटिंग होता है, पर आपके एग्जाम में जब भी पूछता है वो माइक्रोफेराड ही पूछता है या फिर फेराड पूछता है। क्लियर है चीज़ें? यहाँ तक मुझे लगता है आपने ये चीज़ें देख लिया। लेकिन अब फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए इसका फिक्स वैल्यू होता है हमेशा, यहाँ दिख रहा है ना आपको, इसका फिक्स वैल्यू होता है। तो यहाँ मैं बात करूँ इसकी, तो वैल्यू होगा 8.85 क्रॉस 10 टू द पावर -12 फेराड पर मीटर। ये ध्यान रखना है आपको वैल्यू, एग्जाम में ये भी वैल्यू आपको पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, है ना, इस चीज़ का ध्यान रहे। फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू जो होता है आपसे पूछा जाता है कई बार कि म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 क्रॉस 10 टू द माइनस फेराड पर मीटर। इसी तरीके से इंडक्टर में जो था म्यू नॉट का मान था, है ना, इंडक्टर में था ना 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 7, वहाँ पे था 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 7, हालांकि उसके वैल्यू को भी हमने निकाल दिया था हेनरी पर मीटर, और यहाँ फेराड पर मीटर, तो यूनिट देखिए सेम चल रहा है ना, यहाँ पे हेनरी पर मीटर लेकिन यहाँ फेराड होता है तो फेराड पर मीटर। तो ये सब चीज़ें कन्फ्यूज नहीं करना आपको एग्जाम में, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप भी देखने को मिल जाते हैं, तो आपको आसानी होगा इस तरीके से चीज़ों को करने के लिए। चीज़ें क्लियर हो गया कि किस तरीके से कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से हम कैपेसिटर में वैल्यू निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये देखेंगे कैपेसिटर में किस तरीके से करंट निकालते हैं, कैपेसिटर में किस तरीके से वोल्टेज निकालते हैं, डीसी में कितना एनर्जी स्टोर करता है, एसी में कितना एनर्जी स्टोर करता है, उसके बाद हमारा सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये तो आसान होते हैं, पर फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए रहने देता हूं यहीं पे, आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।